Hello friends, you are welcome to my YouTube channel. Today I am just going to write world meaning of lesson 2, bringing up curry from an alien hand of class 7th. मैं lesson number 2 bringing up curry के कुछ difficult words यहाँ लिख रहा हूँ और उनकी world meaning लिख रहा हूँ. आप भी इसको अपनी copy में उतारें और पूरी video को ध्यानपूर्वक देखें और प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें. चलिए चलते हैं. नंबर वन है कीपर. पहले मैं लिख देता हूं वर्ल्ड एंड मीनिंग. वर्ल्ड मीनिंग कीपर. कीपर मींस केयर टेकर, देखभाल करने वाला. इसको हाथी की देखभाल करने वाले को कहते हैं महावत. ये देखिए हिंदी में भी, इंग्लिश टू इंग्लिश में भी. नंबर टू है डेलिशियस. डेलिशियस इसको बोलते हैं. डेलिशियस को ल्यूसियस स्वादिष्ट ल्यूसियस. नेक्स्ट है सेंसिटिव. सेंसिटिव रेस्पॉन्सिव. रेस्पॉन्सिव रेस्पॉन्सिव संवेदनशील. ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा. फिर है टिप टो. टिप टो. टिप टो ऑन द टोज. ऑन द टोज पंजों के बल. पंजों के बल टिपटोस. नेक्स्ट है पेविलियन. पी ए वी ली एल एल आई ओ एन पेविलियन. पेविलियन मीन्स होता है बाड़ा, प्लेस ऑफ एनिमल, लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल या एलिफेंट, प्लेस ऑफ एनिमल. नेक्स्ट है थेस्ट. टी एच ए टी सी एच ई डी थेस्ट. थेस्ट छप्पर इसको बोलते हैं. कवर विद थैच. कवर विद थैच छप्पर. घास फूस से ढका हुआ घर छप्पर. नेक्स्ट है बम्प्ड या स्टंप. स्टंप स्टंप्स ठूठे लकड़ी के खंबे. ठीक है, इसको लॉग ऑफ वुड
ये भी हम लिख सकते हैं स्टंप्स। नेक्स्ट है बच्चों बम्पड। बम्पड मीन्स होता है कॉलीडेड। कॉलीडेड, कॉलीडेड मीन्स टकराना। कॉलीडेड। अब यहां से लिखते हैं ट्विंग्स। ट्विंग्स, ट्विंग्स मीन्स सॉफ्ट ट्विंग्स, सॉफ्ट ब्रांच। सॉफ्ट ब्रांच, शाखाएं। मुलायम, मुलायम शाखाएं। सॉफ्ट ब्रांच। फिर है रब्ड। रब्ड मीन्स पोछना या रगड़ना। रगड़ना। स्क्वील, स्क्वील मीन्स चिंघाड़ना। चिंघाड़ना, हाथी की जो चिंघाड़ होती है उसको स्क्वील बोलते हैं। फिर है स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग, फाइटिंग। संघर्ष करना। संघर्ष करना। हैचेट, स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स, कुल्हाड़ी, छोटी कुल्हाड़ी। छोटी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। ये शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स जंप्ड। शॉर्ट, जंप्ड, उछलना या कूदना। कूदना या कूदा। फिर मैं एक और यहां से लिख देता हूं करेक्ट। करेक्ट मीन्स होता है क्राउड। क्राउड, रेंगना। ये तो यहां मैंने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और उसकी मीनिंग्स इंग्लिश टू इंग्लिश और हिंदी लिखा दी है। इनको आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में लिखें और याद करने का प्रयास करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी थीम लिखाऊंगा, लेसन की समरी लिखाऊंगा और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।